हेलो फ्रेंड, इस गद्दीगढ़ एरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड उन व्यक्तियों के बारे में जो लगता है कि वो गडरिया है, परंतु वो जाति में असल रूप से गडरिया नहीं है। ये क्यों लगता है? क्योंकि फ्रेंड इनके टाइटल जो गडरियाओं के जो जनरल टाइटल हैं उनकी तरह, जैसे पाल बघेल इस तरीके से हैं, तो ये लगता है कि ये सभी लोग जो हैं वे गडरिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड इन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सभी को बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो जिन लोगों को पता नहीं है या जो खाली हवा में तीर चलाते रहते हैं, उन लोगों को भी पता चले कि असल में लोग किस जाति के हैं, तथा हम जो हमारी कम्युनिटी के लोग दूसरी जातियों का इतिहास चुरा रहे हैं तो वो चुराना बंद कर दें। तो फ्रेंड इसमें पहला नाम आता है जगदम्बिका पाल का, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनकी जो मेन जाति थी वो ठाकुर थी, और इनका जो गोत्र या सबकास्ट थी वो बक्षपाल थे। तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो फ्रेंड इनका जो असल नाम है वो जगदम्बिका बक्षपाल है। इनके बाप का नाम सूर्य बक्षपाल था। तो फ्रेंड इन्होंने बक्ष टाइटल हटा दिया है, सिर्फ पाल लगा लिया है। दूसरा नाम आता है फ्रेंड भूपेश बघेल का, जो अभी वास्तव में अभी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी जाति कुर्मी है और इनका जो गोत्र है उसमें बघेल गोत्र है। तीसरा नाम आता है राघव लखन पाल का, तो ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनकी असल जाति जो है, असली जाति वो ब्राह्मण है, और इनका जो गोत्र है वो लखनपाल गोत्र है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, लखनपाल गोत्र जो है ये जो हिमालय का तराई क्षेत्र है इसमें ये पाया जाता है, ठीक है। स्पेशली उत्तराखंड के आसपास और यूपी के आसपास, हिमाचल के आसपास लखनपाल गोत्र के ब्राह्मण पाए जाते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा कि लखनपाल, कांडपाल, ये सारे गोत्र हैं किनके, ब्राह्मणों के। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है राकेश बघेल का, जो कि मेधावल सीट उत्तर प्रदेश से पिछली योजना में 2017 से 2022 तक विधायक रह चुके हैं। तो ये जाति से ठाकुर हैं और इनका गोत्र जो है वो सोलंकी है। नारायण पाल जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, और सितारगंज उत्तराखंड से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इनकी जाति जो है खटीक है, इनका गोत्र फ्रेंड मुझे नहीं पता चल पाया। फिर उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है महेंद्र सिंह पाल का, ये उत्तराखंड से और पूर्व उत्तर प्रदेश से दो बार सांसद रह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी मेन जाति ठाकुर है और इनका गोत्र जो है वो परमार गोत्र है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड एम्पायर की। तो एम्पायर में देखिए, जो मौर्य एम्पायर है ये जो मेन कास्ट है माली कास्ट है, जिनको हम शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवा इस नाम से जानते हैं। तो इनका जो गोत्र था वो शाक्य था। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है फ्रेंड पाल एम्पायर ऑफ बंगाल, ये जो बंगाल का पाल एम्पायर था कायस्थ जाति से था, और ये पाल गोत्र के कायस्थ समाज से बिलोंग करते हैं। अस्कोट एम्पायर ऑफ नैनीताल, ये राजपूत थे फ्रेंड, इनकी जो जाति थी राजपूत थी, और इनका जो गोत्र था फ्रेंड वो था परमार। नरेंद्र नगर का जो पाल एम्पायर है, यानी कि जिसको हम ऋषिकेश का पाल एम्पायर भी बोल देते हैं फ्रेंड, इनकी असल जाति राजपूत थी और इनका गोत्र परमार था। पाल एम्पायर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये फ्रेंड राजपूत थे और इनका जो गोत्र था वो परमार था। बघेल एम्पायर ऑफ रीवा सतना, तो फ्रेंड ये जो है इनके असल जाति जो थी राजपूत थी और इनका गोत्र जो है फ्रेंड वो सोलंकी था। अब नेक्स्ट नाम कर लेते हैं फ्रेंड जो ग्रेट पर्सनैलिटी रही है। तो उसमें देखिए फ्रेंड बिपिन चंद्र पाल, ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं और ये कायस्थ थे और ये बंगाल से बिलोंग करते थे। उसके बाद एक्टर तपस पाल, ये एक्टर थे, इन्होंने महाभारत और कई सारे टीवी सीरियल्स में, इसके अलावा बॉलीवुड की कई फिल्मों में, बंगाली कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। ये जाति से कायस्थ थे और बंगाल के थे। सुनील पाल जो है फ्रेंड वो एक्टर और कॉमेडियन है, आप सभी लोग जानते होंगे, प्रजापति कुम्हार समाज से आते हैं और ये बंगाल के रहने वाले हैं। पेरियार स्वामी ईवी नायकर, ये सोशल वर्कर थे और इनकी जो असल जाति थी फ्रेंड वो पालीजा थी, जो शेट्टी रहते हैं, जैसे सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, तो ये पालीजा कम्युनिटी से ही आते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है फ्रेंड लॉर्ड स्वराज पाल का, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये पूर्व में जो है ये पंजाबी बनिया है, यानी कि अरोड़ा हैं ये, और इस समय ये इंग्लैंड के हैं। जब भारत का भी आज़ाद हुआ था ये पंजाब के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है संजय बघेल का, जो कि सिंगर हैं और ये सोलंकी राजपूत हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड जो किंग्स वगैरह रहे हैं, तो फ्रेंड देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे हैं ये मौर्य एम्पायर से बिलोंग करते थे, जो कि मेन कास्ट माली जाति से थे, शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवा, सैनी, और फ्रेंड इनकी जो गोत्र था वो शाक्य था। उसी तरीके से अशोक मौर्य जो थे ये मौर्य एम्पायर से बिलोंग करते थे, माली जाति से थे, ये शाक्य कम्युनिटी से थे। धर्मपाल और जितने भी पाल किंग रहे हैं बंगाल के, ये सारे पाल एम्पायर जो है उससे बिलोंग करते हैं, इनकी जाति जो है फ्रेंड कायस्थ थी।
और ये पाल जो कायस्थ में पाल गोत्र पाया जाता है उसके ये राजा थे फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और फ्रेंड बहुत से लोगों को ना ठेस लगेगी इस वीडियो को देख करके, क्योंकि उनके समाज में कोई ऐसा गटरिया समाज में बहुत कम पर्सनैलिटी है, तो उनको जब दूसरे लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो वो इन्हीं लोगों को उठा करके रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं, जो कि गलत है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो इतिहास को चुरा रहे हैं, और आगे भविष्य के लिए अपने जो नेता राजनेता हैं, अब तो फ्यूचर में राजनेता मुख्यमंत्री ये साइंटिस्ट ये सब लोग ही बनेंगे, आर्मी पर्सनल जो है, तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल करके बनाई है, और फ्रेंड ये देखो विश्वास मेरा ये है कि लोग जागरूक हों, ठीक है। इसमें जो पाल समाज के बच्चे हैं, समाज के युवा हैं, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले जब से 20-30 साल पहले जो गडरिया कम्युनिटी के वर्कर जो काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी मैगजीनों में या जो उनकी साप्ताहिक या मासिक उनकी पत्रिका छपती थी उसमें सिर्फ पाल टाइटल और बघेल टाइटल को देखकर वो लिख कर दे दिया, और उसका खामियाजा आज तक लोग भुगत रहे हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए।